क्रिक टॉक इज बैक। टुडे वी हैव अ गेस्ट सेशन। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कल एक छोटा सा मैच है तो हमने कहा कि कुछ गेस्ट को बुलाया जाए और पूछा जाए कि उनकी हार्ट बीट कैसी चल रही है। क्योंकि क्रिकेटर से पूछे हैं, लोगों से पूछे हैं, सब ये कहते हैं इट्स जस्ट अनदर मैच, और मैच के बाद फिर लोग डिफरेंट डिफरेंट बातें करते हैं। तो हमने कहा ये बातें हम पहले रिकॉर्ड कर लें ताकि सबसे कर पहले ले। भी इज इट जस्ट अनदर मैच, और उसके बाद अलावा प्रेडिक्शंस भी। तो हमें ज्वाइन किया है सलमान ने। सलमान की बड़ी गहरी नज़र है क्रिकेट पे। इनने और मैंने 2018 में या 17 में हमने साउथ शकील को अनअर्थ किया था, स्पॉट स्पॉट किया था आप लोगों ने, किया था। जी स्पॉट किया था। हाँ जी हमने स्पॉट किया था। बच्चे स्पॉट करते हैं आप लोग, मैंने नोट किया है मैं भी। देखिए यार चले सलमान आप बताएं कैसी फीलिंग है और क्या रिजल्ट लग रहा है। तीन ऑप्शन है आपके पास, पाकिस्तान जीत रहा है, इंडिया जीत रहा है या बारिश जीत रही है, तीनों ऑप्शन है आपके पास। हेलो, आवाज आ रही है पहले तो? बिल्कुल आ रही बिल्कुल है। हाँ यार, ऑब्वियसली इमोशंस तो ऑब्वियसली वन नाइट बिफोर वो टेंस ही हैं, और इफ इंशाल्लाह रेन डज नॉट प्ले अ पार्ट तो आई थिंक पाकिस्तान हैज अ ग्रेट चांस। आई थिंक पाकिस्तान का ये जनरेशनल टैलेंट है जो इसका टीम में है। आई थिंक पोस्ट 99 हमारी बेस्ट टीम उतर रही है टीम ग्राउंड पे, टेस्ट टीम, और आई थिंक बेस्ट हाँ टीम बेस्ट उतर टीम, ओके उतर मुझे लगा रही है। टेस्ट टीम उतर रही है। हाँ आई थिंक वी हैव गॉट मोस्ट ऑफ द बेसिस कवर्ड। आई थिंक एक सिर्फ स्पिनर स्पॉट है जो हमारा इंटरनेशनल लेवल का, हमारे पास स्पिनर नहीं है। बाबर की कैप्टनसी पे आप कह सकते हैं कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं, अदरवाइज आई थिंक वी हैव गॉट मोस्ट बेसिस कवर्ड। सारी और मसले आई आपने थिंक बता वी दिए, सारे मसाइल बता दिए आपने। कैप्टन भी ठीक नहीं है और स्पिनर भी नहीं है आपके पास, और ये इंडिया में दो जो बिल्डअप ये खेले दो जा रहे मसले हैं हैं, आप। बाकी हमारी बैटिंग बहुत सॉलिड है। हमारी बैटिंग का हमेशा से मसला रहा है, अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, ओपनर्स का बहुत बड़ा इशू रहा है। फखर जमान अभी भी सही है, वो उस तरह नहीं है, लेकिन बैटिंग की नाइन, लेट मी सोलिडिटी। रिमाइंड यू सलमान, लेट मी रिमाइंड यू, 9 इनिंग्स विदाउट स्कोरिंग अ रन, विदाउट स्कोरिंग बैटिंग रन। की। लेकिन ओ भाई मतलब मतलब बुरा लगे बंदा को कुछ करो भाई, उससे पहले उसने 3 सेंचुरियां भी मारी थी, 180 भी किया था उसने। लेकिन दैट्स माय थ्योरी राइट, ही स्कोर्स वन बिग रन एंड देन ही गोज आउट फॉर 9 10 इनिंग्स यूजली और वो एक फिर और एक। थ्योरी है कि क्रंच मैचेस में ज्यादा चलता है वो और ये वो, लेकिन हाँ ये है कि आई थिंक सोलिडिटी पाकिस्तान की बैटिंग की इस दफा काफी बेहतर है। फास्ट बॉलर्स पे तो आई थिंक कुछ मार्क्स नहीं है। तो We've सलमान got a कितना good कितना run. चेज कर सकते हैं आप? यू सेइंग अबाउट के जी बैटिंग 150 बड़ी अच्छी है हमारी, कितना कितना चेज कर लेंगे आपके ख्याल में पाकिस्तान इजिली? पाकिस्तानी टीम पे तो वो वाली बेट तो अभी भी नहीं शायद लगाई जा सकती, लेकिन ये कि आई थिंक हमारे चांसेस बेहतर हो गए हैं एज कम्पेयर टू पास्ट टीम्स। जैसे 2011 में वी फंबल्ड चेजिंग 250, 99 के वर्ल्ड कप में डिस्पाइट दैट चैंपियन टीम हम लोग जो है वी हार्डली मेड 120 130। ऑल्दो हम लोग अगेन एक चैंपियन टीम से ही खेल रहे थे उस वक्त, लेकिन ये कि इस इतना बुरा हाल हमारा मुझे नहीं लगता कि अब है बैटिंग का। बैटिंग हम आई थिंक काफी सोलिडिटी है, और मेनली बिकॉज ऑफ इमाम एंड बाबर, मेनली एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर अच्छा, और फिर इमाम तो, शॉर्ट इमाम तो ऑर्डर। सेल्फिश है ना, वो तो अपने 50 करने के लिए खेलता है, वो तो बाबर छोड़ कैसे दे खेलता है यार, यार? उसकी बाबर स्ट्राइक तो, रेट अरे में क्या बाबर को इशू डिस्कस है? करते हैं, बाबर को भी डिस्कस करते मुझे हैं। तो उसकी स्ट्राइक रेट में कोई इशू नहीं लगता, स्ट्राइक रेट का लेकिन मसला शॉट नहीं है वो, निकाल लो। वरना तो वो, आई थिंक मैंने तो उसको मुझे कभी उसकी भी नियत ऐसा में मसला लगता है, मुझे उसके स्ट्राइक रेट में मसला नहीं है। वो कहता किसकी है कि बात बस हो रही है, मैं बाबर की बात हो रही है, पचास उसकी नियत में मसला नहीं है। नहीं अभी हमें इमाम की बात करो, बाबर पे भी आते हैं, बाबर पे भी डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं इमाम में मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये नहीं, आप नियत मैं कैसे जज कर सकते हैं आप उसकी? क्या यार पता नहीं, क्या मुझे नियत? कभी उसे फील नहीं आया कि ही इज गोइंग टू विन द मैच फॉर अस। आई डोंट नो, मुझे यही नंबर्स फीलिंग बाबर निकालो। में आई नहीं थिंक आती। वैसे मैंने वैसे तो आई उसको टेक माय काफी, वर्ड्स बैक, इमाम तो हमारी वीडियोस देखता है और लाइक भी करता है, तो मैं जोंगना सॉरी इमाम, यू आर द बेस्ट प्लेयर वी ऐसे हैव। एक सवाल करना चाहता था कि जीत कौन रहा है भाई, ये तो बता दिया अच्छे चांसेस है पाकिस्तान के, जीत कौन रहा है? चांसेस हेलो तो इंडियंस को भी काफी अच्छे लग हेलो रहे हैं उनके। हाँ हाँ जी आ रही समझ में। क्या फिर क्या लग नहीं रहा है, ऑब्वियसली पाकिस्तान ही जीतेगा। आई थिंक 70-13 फेवर पाकिस्तान, इंशाल्लाह भी कह दो। चल रहे हैं। अच्छा, और दूसरा सिर्फ एक फाइनल आपसे सवाल ये कि आपने कहा कि कैप्टनसी भी ठीक नहीं है और स्पिनर भी नहीं है, तो मैं तकिया मंगवाऊं फिर कैसे जीतेंगे? यार? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा इशू है, और मेरा हम लोगों ने काफी बड़े टूर्नामेंट्स इस तरह खोए, स्टार्टिंग फ्रॉम 2009 2021 वर्ल्ड कप,
वहां पे हम वहां पे बाबर की कैप्टनसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स थे, फिर एशिया कप लास्ट ईयर, फिर अभी इस दफा वर्ल्ड कप में, और अब जो है ये पहला मैच जो इसने इंडिया के खिलाफ इसने इसमें मेजर जो है वो ब्लंडर मारा था। तो ये करता है, ये तो ही नीड्स टू लर्न, अदरवाइज स्पीकिंग फ्रॉम प्योरली टैलेंट पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे ख्याल में ये इस तरह का टैलेंट हमारे पास 20 सालों में पहली बार आया है। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट चांस वी हैव राइट नाउ टू विन अ वर्ल्ड कप। सनी भाई आप बताएं क्या लग रहा है? यार मेरा ख्याल है कल जो टीम बॉलिंग पहले करेगी ना उसका ज्यादा चांस है जीतने का, आई मीन जो अच्छा पाकिस्तान इंडिया, बिकॉज वो आई थिंक श्रीलंकन विकेट्स ने कोई इतना अच्छा इमेज क्रिएट किया नहीं, आई मीन यू नो सेकंड टाइम वो जरा बोरिंग क्रिकेट हुई है बहुत ज्यादा, आई मीन यू नो लो स्कोरिंग गेम्स हुई हैं और कभी बाउंस या लेकिन पूरा अभी आप नहीं। अगर आप देखें कोलंबो में जो मैच हो रहा है अभी एज वी स्पीक बांग्लादेश और श्रीलंका का, तो बांग्लादेश चेस कर रहा था आराम से, मतलब आउट हो गए, बांग्लादेश का इतना वो नहीं है, पर आई थिंक बंगला उनकी वो आते उनके मैंने बड़ा लेट मैच लगाया, आई थिंक 130-40 पे 5 आउट थे जब मैंने मैच लगाया उनका, या 150 पे 5 आउट थे, तो वो आई थिंक उन बेचारों में इतना ही है दम खम, बंगालियों में वो दम नहीं है, वो इतने इतने कोई तेजस नहीं है। बट एनी वे मोस्ट प्रॉबली जो टीम करेगी ना फर्स्ट टाइम बॉलिंग उसको ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मैच जीतने की। तो आप किसको सपोर्ट करें ये बताएं ना, छोड़ें तो ऑब्वियसली सपोर्ट तुमने पाकिस्तान को करना है, किसी इसका और को मतलब नहीं आप बाबर करना। बाबर को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं ऑब्वियसली अब वो टीम का हिस्सा है तो उसको सपोर्ट करना ही है, लेकिन द थिंग इज कि वो जो सलमान बात कर रहे हैं ना कि उसकी कैप्टनसी के इश्यूज हैं, आई थिंक वो थोड़े इश्यूज नहीं, वो बहुत बड़े इश्यूज हैं, और पीसीबी जस्ट बिकॉज ही इज अ गुड प्लेयर और पूरी दुनिया उसको ग्रेट 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 कहती जाती है, तो उस प्रेशर में आके वो उसकी कैप्टनसी से भी नहीं उसको हटा रहे, आपने एक तो उसके ऊपर बिला वजह का एक प्रेशर डाल दिया उसको कैप्टन बना के। लेकिन सनी भाई किसको बनाएंगे कैप्टन, किसको यार आप शाहीन ही अफरीदी बनाएंगे? को बनाएंगे, उसने लाहौर यार कलर तो उसकी शाहीन बुरी अफरीदी तो दिमाग यार शाहीन अफरीदी को बॉलिंग, वो एक उसका तो ऐसा दिमाग है कि उसको अफरीदी ने कह दिया भाई मैं तो कप्तान बन नहीं बना नहीं, अभी, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया ने नहीं बॉलर को सनी कैप्टन सनी बनाया वो। भाई इंटरनेशनल क्रिकेट डिफरेंट होती है, उन्होंने ये कह उस शाहिद अफरीदी नहीं ऐसा शाहिद अफरीदी ने उसको कह नहीं दिया यार तू तो बैट्समैन बन सकता है, तो वो पिछले 2-3 महीने तो अपनी बैटिंग में फोकस करता रहा, बेवकूफ को किसी ने समझाया? है, उसकी बदकिस्मती ये है कि वो है भी अफरीदी और रिश्ता भी उसके घर हो गया, तो हाँ वो जी हाँ, तो बट फिर वो एनीवे कैप्टन भी नहीं बन मतलब सकता ना वो तो। आई थिंक शाहीन ने लाहौर कलंदर के साथ बड़ी अच्छी कप्तानी की थी, सनी भाई और लाहौर कलंदर की टीम ऑन पेपर भी काफी स्ट्रांग हो गई थी विद हारिस रऊफ कमिंग इन, एक वक्त शुरू में बड़ी फजूल टीम थी, टीम भी अच्छी हो तो फिर कैप्टन चल जाता है। यार तो तुम्हारी टीम अच्छी है, यू आप नीड कह रहे हो टू, टीम तो अच्छी है पे चलनी चाहिए बाबर के अंडर। हाँ तो चल यार रही पर है यार हमारी बाबर टीम, यार आपने 70 पे उनके 5 आउट किए हुए हैं, 4 उसके बाद आपने 265 करवा लिया है, सनी भाई इसका मैं जवाब पहले भी दे चुका हूँ और इसका जवाब आपने मैं नहीं, दोबारा शेरी से दे कहते हैं चुका ज्यादा हूँ। स्कोर नहीं है, 260 60 से नहीं 4 तो अच्छा, 260 तो तो होना मुझे चाहिए। देखिए सारा को आप शादाब को खिलाई जा रहे हैं भाई, किस वजह से नवाज को ड्रॉप कर देते हैं, आप शादाब ये को किस गुड नहीं खिला रहे हैं? आई एग्री, देखें जो अच्छा मैच हमने, अच्छा मैं आपको एक छोटी सी एक एग्जाम्पल देता हूँ कि ये फेवरेटिज्म की, कि बाबर शादाब को जिस तरह फेवर कर रहा है, अफगानिस्तान ने आपको 300 किया अभी पीछे अफगान पाकिस्तान सीरीज में, 210-20 पे कोई आउट नहीं था, और ये वो उसामा मीर है दूसरा लेग स्पिनर जो उस दिन हाँ खेल रहा था शायद, हाँ यस उससे बॉलिंग करवाई जा रहा था जब मार पड़ रही थी, शादाब उसने विकेट मिली, को उसने, उसामा लेकिन ने विकेट, उसामा बॉलिंग भी पहली गंदी विकेट कर रहा उसामा था ने, यार, देखो आई लाइक फिर उसामा मीर, मैं ही उसामा पहले ने आउट किया, दूसरा भी शायद आउट हुआ, साथ ही उसने उसामा मीर को चेंज करके शादाब को ले आया बॉलिंग करवाने, पहले यार उसको देखिए बताता है जहां पे नए बैट्समैन आए हैं वहां पे लाके शादाब से बॉलिंग शुरू करवा दी है। अच्छा अगर उसामा मीर आपका बेहतर लेग स्पिनर है कि जी मुश्किल टाइम में मैं उसको बॉलिंग करा रहा हूँ, तो भाई फिर इस वनडे में उसको क्यों नहीं डाल रहे, शादाब को ड्रॉप करो, नवाज को किस यार लिए ड्रॉप उसामा कर मीर रहे की भाई? डिबेट बनती है, लेकिन मैं मुझे उसकी बॉलिंग इतनी इंप्रेसिव नहीं लगी थी जितनी मुझे उसकी बिग मैं बैश में। इंप्रेसिव की बात नहीं कर रहा, मैं तो जो देख रहा हूं मैं उससे लॉजिक निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। सर भी मेरा एक सवाल था, मैंने शेरी से भी किया था, बाकियों से भी किया था, वो मेरे से एग्री नहीं करते, वो कहते हैं मुझे कीड़े करने का शौक है, लेकिन मैं एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि क्या बाबर को हिसाब का कुछ इशू है? क्योंकि मैं आपको कुछ मिसाल देता हूँ, पिछले साल एशिया कप पहला मैच इंडिया के खिलाफ फाइनल ओवर नवाज, वर्ल्ड कप T20 फाइनल ओवर नवाज, इंडिया के खिलाफ पेसर्स ने पकड़ा हुआ था इंडिया को, स्पिनर्स आए मार खाई दबा के, ठीक है मुझे समझ आई कि आपने ओवर पूरे करने हैं, वो भी मैं माफ कर दिया इसको,
आपने शदाब को एक एक्स्ट्रा ओवर करवा दिया और नसीम का जो आपका बेस्ट बॉलर है उसका एक ओवर खा गए। ये स्ट्रेटेजिक, मुझे एक बाबर के बहुत बड़े फैन ने कहा यार वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। यार ये देखो मेंटली तो ये ग्रो नहीं करते। आपने आप अगर ओवरऑल दुनिया के प्लेयर्स के इंटरव्यूज उठा के देख लें, जब वो बोलते हैं वो कोई ना कोई अपने इंटरव्यू के अंदर 3 4 5 चीजें इतनी अच्छी बोल जाते हैं कि आपको ना वो इम्पैक्ट एक करती है उनकी बात का। आपके कभी किसी प्लेयर का आपने कोई इंटरव्यू ऐसा सुना है कि उसने कोई एक ऐसी बात की हो, 2 लाइनर 3 लाइनर 1 लाइनर कुछ ऐसा बोला हो जिसने आपको इम्पैक्ट आप पे छोड़ा हो कि यार हाँ ये बंदे में नॉलेज है, ये बंदा कोई डीप थिंकर है, कोई ब्रेन रखता है, कोई ये अपनी यू नो ही इज नॉट जस्ट अ गुड प्लेयर, ही इज अ ग्रेट क्रिकेटिंग माइंड ऑल्सो। इमरान खान और जावेद तो मियांदाद, इमरान खान और जावेद मियांदाद, यस। थिंग इज दिस कि आपको शायद थोड़ा सा मिकी आर्थर बाबर को बना गया। अब ये आई डोंट नो अब्दुल्ला शफीक को चांस क्यों नहीं दे रहे किसकी जगह दे, लेकिन आपको, किसकी जगह, किसकी जगह ये भी बताएं ना। क्या दे दें आपने उस बेचारे को अगर 6 पे जलील करना है, 2 ओवर करवाने के लिए आपने एक बंदे को टीम में डाला हुआ है नहीं तो वो तो और ओपनर है ना आपने अब्दुल्ला शफीक यार। शादाब को फेवर देनी है पूरे ओवर कराने हैं, फिर आपने फिलर्स के लिए पहले इफ्तिखार से ओवर कराना है, फिर शाजो हाँ नाजिर आप आगा को करवाते हैं। अगर हाँ आपने आगा को रेगुलरली यूज नहीं करना एज अ बॉलर तो फिर हाँ आप उससे बेटर है अब्दुल्ला शफीक को ले आए, उसको लेकिन वन डाउन अब्दुल्ला खिला शफीक ले। ऊपर नहीं खेलेगा, अब्दुल्ला शफीक तो बॉलिंग ओपनर ऑप्शन है। चाहिए आपको, और आगा फिनिशर है, आगा नीचे ठीक खेलेगा, उसको मौका यही देना नहीं भी आप चाहिए। इस पे देखिए ना, मैं इस वही कह रहा हूँ अब्दुल्ला शफीक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका अब्दुल्ला शफीक 1 डाउन आता है, बाबर आपका 2 डाउन आता है, बाबर तो उसके टू बाद डाउन नहीं आएगा ना आप सनी भाई, वो तो अब वर्ल्ड कप तक हम देखे, देर इज अ वो डिबेट। तो लेट गया, लेकिन लेकिन ये कि अगर आपके पास चॉइस हो हाँ और आपने अब्दुल्ला शफीक को अगर ये अब देखो इन्होंने आसिफ अली और वो खुशदिल को भी यही किया, रोक अच्छा रोक के एक और इन्होंने क्वेश्चन इस पे मैं पूछूंगा आपसे, मुझे ये बताएं कि अगर कल फकर स्कोर सलमान नहीं करता, आगा को भी ऐसी सत्यानाश करेंगे, तो नहीं आप मुझे बताएं ना, अगर कल मैच का फकर स्कोर रिजल्ट भी तो नहीं पूछो करता, ना। बोलन देगा कुछ तो मैं दसांगा ना, तू हर गाले से बोल पैंदा आप ही अच्छा दसो। नहीं तो पूछ ले भाई, हूं जो पूछना है तू पूछ अच्छा ले। मैं पूछना चाह रहा हूं कि अगर कल फखर स्कोर नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल हाँ बायन जा, तो हाँ उसको फिर वर्ल्ड कप में टीम में जगह बनती है, या फिर अब्दुल्ला शफी को उसको डालना चाहिए ब्रेस्ट ऑफ द एशिया कप, क्योंकि 10 मैचेस ज्यादा कितना और चांस दें यार। उसको मेरी फखर से बात मसला है, कह सुनो, दे निकाल दें फखर को, वो खुश हो जाएगा। मैं को बताऊं आपके ना फिर बहुत सारे एक जैसे प्लेयर इकट्ठे हो जाएंगे ऊपर 4 नंबर पे समझाएं इसको। 5। हाँ आपका इमाम भी तेज स्कोर करने वाला नहीं है, आपका बाबर तो बिल्कुल ही तेज स्कोर करने वाला नहीं है, फिर अब्दुल्ला शफीक भी प्रॉपर बैट्समैन है वो भी हाँ इतना तेज स्कोर नहीं मेरा लेकिन ख्याल अगर सनी करने भाई वो वाला, स्कोर ही नहीं कर रहा तो आउट ऑफ फॉर्म है ना यार। चल रही है वो फ्लॉप हुआ हुआ मेरा ख्याल है, जो उसको वनडेज खिलाए हैं मोस्ट अच्छा प्रोबेबली उसने स्कोर नहीं किया हुआ, आई एम नॉट अच्छा श्योर। मेरी एक थ्योरी है इसके अंदर, अगर फखर ना चले तो आपकी बात सही है, अब्दुल्ला शफीक को इस तरह शायद हम यूज नहीं कर सकेंगे। एक तो ये कि वो उस मोड का बैट्समैन भी नहीं है, तो हम ये कर सकते हैं कि रिजवान को प्रॉबली प्रमोट करके, हम और कब से बात कर रहे हैं टिकटॉक पे, क्या बात की आपने चार यार, पे जो वलीद है यार टू शफीक को आप गुड़िया। ले आए, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड आपके मैचेस जो है इंडियन पिचेस पे होंगे और आपको यू नीड अ गुड यू नो स्पिन प्लेइंग बैट्समैन इन द जबरदस्त मिडिल, तो कॉल आउट लोधी, लोधी ने ये सबसे पहले, इवन वसीम अकरम के सजेस्ट करने से पहले लोधी ने सजेस्ट की थी बात, रिकॉर्डेड है ये। वोंट बी अ आई बैड थिंक ये कर सकते हैं। चॉइस। हाँ अगर आपने उसको डालना ही है फिर वोंट बी अ बैड चॉइस, आप उसको फिर अगर वाकई फखर नहीं चलता तो फिर रिजवान को ओपन करवा दें जो वनडे में हाँ T20 में करवा रहे हैं। बिल्कुल सही आपका है। अब्दुल्ला शफीक मेरा ख्याल है अब्दुल्ला शफीक शुड बी नंबर 1 1 डाउन, बाबर शुड बी 2 डाउन, उसके बाद आपको चाचू है। नहीं आप बाकी बैटिंग लाइनअप क्यों छेड़ रहे हैं, आप बाकी बाकी बैटिंग लाइनअप छेड़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप सिर्फ रिजवान को ऊपर प्रमोट करें और टार पे सऊद को ले आए। या अब्दुल्ला को ले आए या फखर को नीचे एक्चुअली खींचे। चक्कर क्या है कि आपका जो इससे पहले वली तुमने भी पूछी थी बात कि बाबर फंसता है स्पिनर्स पे, बाबर इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं स्कोर कर पाया, कुलदीप यादव बिश्नोई ये मुझे याद आ रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ माय हेड, ये लोग इसको फंसाते तो हैं, ये राशिद स्पिनर्स के खान, हाथों फंसता है, आदिल जाय रशीद, सूर्या केशव ये लोग सब मेराज, फंसा। और बाबर आउट होते ही आपकी बैटिंग लाइनअप अचानक से सुकड़ सी जाती है, नीचे आगा और इफ्तिखार अजीब से लोनर से लगने लगते हैं, तो यू नीड अ गुड बैट एट नंबर 4 स्पिनिंग बैट, वो आपको सऊद दे सकता है, तो मूव रिजवान अप द ऑर्डर एंड प्ले सऊद एट 4। और लेकिन ये तो यार लग रहा है कि बाबर सब को कह रहे कुछ पाकिस्तान करना हार रहे नहीं हैं, मतलब आएगा। मुझे मायूसी नजर आ रही है भाई, सलमान ने कहा जीत रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम्स बताए हैं। सनी भाई आप तो लग रहे हैं इनिंग्स डिफीट होने लगी है कल पाकिस्तान को।
नहीं मैं तो कह रहा हूँ दुआ करो बाबर को भी स्वीप मारनी आ जाए स्पिनर को। मसला ये है, मसला ये है पाकिस्तान का प्रॉब्लम्स है, लेकिन आगे जो इंडियन टीम खेल रही है ना वो ऑन द डिक्लाइन है। इंडियन टीम को चैंपियन टीम नहीं खेल रही है आपकी, मुझे तो लग नहीं इंडियन यार रोहित शर्मा विराट कोहली बॉलिंग में बुमराह आई डोंट नो वो अब किस फॉर्म में वापस आता है, उनकी बॉलिंग लाइनअप भी कोई ऐसी चैंपियन बॉलिंग सर कुलदीप यादव को कौन खेलेगा भाई मेरे कुलदीप यादव एक अकेला अगर कुछ कर भी रहा है मुझे नहीं पता उसके नंबर्स क्या है लेकिन अगर कुछ कर भी रहा अकेला क्या कर लेगा कितना वही बॉल नहीं, उसने पिछले वही बॉल यार ये कुल दो दफा बाबर को आउट कर चुका है वो कुलदीप यादव का इंडिया का किस तरह मैच हुआ था आउट करने है उसने कुलदीप यादव ने तो नेपाल के अगेंस्ट कोई विकेट नहीं ली, पाकिस्तान के अगेंस्ट कैसे लेगा अभी तो बाकी तो दूर की बात। और मेरा ये मैं आपको बताऊं बिल्कुल इंडिया अपनी बॉलिंग पे मैच नहीं जीतता और सनी भाई बैटिंग की अगर ना आप भी क्रिकेट खेलते हैं अभी भी जब बैट्समैन जब खेल रहा होता है ना जिस बॉलर के अंडर वो प्रेशर हो तो हर बॉल से पहले बैट्समैन को आप याद रखें एक चांस मिलता है, बॉलर को 10-60 बॉल्स मिलती हैं तो बड़ा फर्क है। तो बैट्समैन के लिए एक गलती और वो उसके माइंडसेट में हो गया यार ये मुझे कहीं आउट ना कर दे पूरा सब कुछ चेंज होता है। इतने प्रेशर वाले मैच में जहाँ पे क्राउड भरा होगा और उनको पता है कि मीडिया एक तो उनका मीडिया हमारा मीडिया ये मैं दोनों के बारे में कह रहा हूँ और इस वक्त हमारे हम लोग कौन इसलिए लेता बेहतर है इंडिया और पाकिस्तान अगेंस्ट बट द पॉइंट इज के पाकिस्तान इज इन अ बेटर सिचुएशन। है तो इसका बताए हमारा पैनल कह रहा है 3-1 पाकिस्तान के फेवर, हाँ सलमान कह रहा है पाकिस्तान जीतेगा, सनी भाई कह रहे हैं कि इंशाल्लाह उम्मीद है शायद उम्मीद है जीते। मेरा तो ख्याल है कि जो पहले बॉलिंग करेगा वो जीत जाएगा। अच्छा यार ओके ये क्या बात हुई चले नहीं तो आपने पिछले क्या इसकी कहा था, आपकी क्या रिव्यू प्रिडिक्शन थी कि यार बहुत मुश्किल लगता है कोई भी जीत सकता है, ये आपकी प्रिडिक्शन थी तो ठीक यार है। यार नहीं मैं मुझे तो लगता है कि इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है, पाकिस्तान के मैन टू मैन देयर बेटर, एंड पाकिस्तान की कैप्टनसी का एक मेजर प्रॉब्लम है। दूसरी बात है पाकिस्तान में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो स्ट्राइक रेट चेंज करके बॉलिंग पे प्रेशर डाल सके। हाइट ऑफ पेसिमिज्म पे सबसे ऑप्टिमिस्ट गेस्ट ने ज्वाइन किया है। सलाम जैनब ये वालेकुम इसकी बातें सुनो ये क्या कह रहा है पहले तुम इसकी बातें सुनो। हाँ दोबारा से बोलना चलो मैं जरा आई नो मैं थोड़ा बिल्कुल सा घबरा रही थी वलीद से इनकाउंटर होने के लिए, कंसिडरिंग इंडिया पाकिस्तान वाली टेंशन जिन्होंने क्रिएट की हुई है क्रिक उसकी टॉक उसकी शक्ल पे पे। हंसी चेक करो कि किस तरह हंस हंस के बोल रहे हैं कि सिराज और बुमराह और पता नहीं मेरे जब कौन देखा कौन ना नहीं कि जैनब इज ज्वाइनिंग तो मैंने यही कहा, मेरे कहा फ्रॉम एक्सट्रीम पेसिमिज्म एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म अभी होगा। चलो मैं फिर लेट लेट मी सेट द स्टेज। अच्छा मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं, 3-1 है पैनल पाकिस्तान के फेवर में। द ओनली थिंग ओके आई हैव इन फेवर ऑफ ओके पाकिस्तान द ओनली थिंग आई हैव इन फेवर ऑफ पाकिस्तान इज माई ग्रीन जर्सी टुडे। ठीक है मेरा ये ख्याल है, ये लोग कह रहे थे कि यार इंडिया का बॉलिंग अटैक जो है थोड़ा वीक है, तो मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसा डोमिनेटिंग बैट्समैन है ही नहीं कि इंडिया के बॉलिंग अटैक को प्रेशर में डाला जाए। स्पिनर्स उनके बहुत अच्छे हैं, कुलदीप यादव बेखा में बाबर कैन नॉट फेस हिम, रात को भी सोते हुए भी नींद में भी आउट होते हैं बाबर उसके। सिराज लाइन में इतना बहुत अच्छा बॉलर है जी। कहा जाएगा यार उसको तो नहीं आई थिंक आई वुड डिसएग्री विद यू प्रोबेबली कोई। अच्छा द थिंग विद पाकिस्तान इज कि यस आप ये नहीं कह सकते कि 100% ऑल्दो बाबर इज नंबर वन बैट्समैन इन द वर्ल्ड, बट अनफॉर्चुनेटली फिर भी आप नहीं कह सकते कि वो 100% चलेगा इंडिया के खिलाफ। ठीक है ना, आई आज एग्री ऑन तक दैट नहीं चला, पार्ट। आज तक नहीं चला, 1.50 नहीं ठीक की है बाबर वो ने। खैर उनका केएल राहुल भी हमारे साथ नहीं चला, रोहित शर्मा भी नहीं चला, कोहली कभी चल जाता है, तो वो केएल टॉप राहुल तो ऑर्डर बाबर के का लेवल का बैट्समैन नहीं है ना। लेवल का बैट्समैन तो नहीं है, बट बैट्समैन देखें इंडियन बैटिंग लाइन इज पॉपुलर इज फेमस एंड उनका टॉप ऑर्डर बैट्समैन है केएल राहुल, स्काई आपका हो गया सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, सो दे आर सपोज स्काई टू यू T20 का नो प्लेयर है यार रिटेन उसको तो दिस वनडे आते ही पोजिशन। नहीं खेल स्काई को वनडे आता ही नहीं है शुरू में तो खेलना आता था ना, आता वनडे नहीं आता लेकिन बैट्समैन तो अच्छा है ना वो। खैर हाँ T20 और वनडे का भी ऑफकोर्स क्लास डिफरेंशिएशन तो हो जाती है, पर इंडिया की बैटिंग आई वुड से डेफिनेटली हैंड्स डाउन इज द बेस्ट। ऐसी बात नहीं है कि वो अच्छी टीम नहीं है या वो अच्छे उनके बैट्समैन नहीं। पाकिस्तान का जो एडवांटेज इंडिया के खिलाफ ये होगा ना कि आपका कोई भी चल जाएगा, इन द सेंस कि बाबर नहीं चलेगा शायद 50-50। हाँ मैं भी एग्री करती हूँ बाबर नहीं ओए चलेगा, यार तुम जाओ चाची वापस भी जाओ है, जाओ शादाब भी पाकिस्तानी है, फैन तो जैसे मुझे नॉर्मल यही बैटिंग नहीं लाइन आपकी। आगा सलमान कल है कल बाबर 100 कर रहे हैं आगा मुझे पता है। चलेगा आगा भी आप चलेगा विदाई कह रहे हैं तो फिर आप मान लिए हार गए यार फखर जमान है, मामूल हक है, फखर जमान है, मामूल हक है, चाचू है, थोड़े से तो ऑप्टिमिज्म हो। पाकिस्तान की टीम नहीं ने इम्प्रूव ऑप्टिमिज़म की नहीं है। कल प्रेडिक्शन है कल फखर जमान 100 मारेगा हाँ ये हो सकता फखर है, जमान अगर पाकिस्तान के कल जीतने का बाबर वाहिद सौ चांस यही है मारेगा, फखर बाबर जमान कुछ कर ले। 100 मारेगा कल।
लग तो नहीं रहा हमने जाके बाबर आजम को पैगाम दिया 100 करना है इंडिया के खिलाफ, उसने कहे ओके वो 150 बॉलों में 100 करेगा मैच हार जाएगा पाकिस्तान जितना 100 करेगा वो। नहीं देखो बात चले वो तो कल पता लगेगा, कोई बात नहीं बंदे है 150 में 100 कर ले वो भी ठीक है, कल पता लगेगा कल पता लगेगा। खैर आई थिंक एज अ टीम ये आपका इंडिया के कैप्टन ने भी ये बात कही है, दिस इज डेफिनेटली आवर एडवांटेज एंड आई वुड से कि यस ऑल द बॉयज आर जेल्ड इन क्वाइट वेल एंड वो कोई भी ये बहुत चीज मैटर करती है जब आप टीम स्पोर्ट खेल रहे हो कि वी आर प्लेइंग एज अ टीम रियली मैटर। यार इंडिया चेज करके जी सकता है या बड़ा टारगेट लगा के जी सकता है, ठीक है ना। अब चेज वो उस तरह नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है, मैच बड़ा फंस के होगा। अगर चेज के ऊपर तो मैच बहुत फंस के होगा। एक वीक लिंक है शादाब का, आई पर्सनली थिंक दे नीड टू ड्रॉप शादाब। आई डोंट नो उसामा मीर कितना अच्छा है, बट इफ दे वॉन्ट टू प्ले लेग स्पिनर देन प्ले उसामा मीर और प्ले नवाज और शादाब को ड्रॉप करें। शादाब इज द वर्ड नवाज आपका बड़ा अच्छा फील्डर ऑलराउंडर पूरा बैट्समैन बॉलर पूरा है वो। आई थिंक नवाज को आप नहीं ड्रॉप कर सकते एंड यू नीड टू फिक्स योर नंबर फोर स्पॉट। लेकिन अब तो टीम अनाउंस हो गई है ना, अब तो टीम अनाउंस नवाज आई थिंक नहीं होना चाहिए बिकॉज नवाज एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर चुका है T20 वर्ल्ड कप में। शादाब गंद मार रहे हैं 5-6 मैचेस से, तकलीफ मुझे भी उसको बहुत हो रही है देख के, बट अगेंस्ट इंडिया आई थिंक शादाब इज वे बेटर देन नवाज इन माय ओपिनियन। दो मैच यहाँ पे हो गए श्रीलंका पे, 3 मैच उसके अफगानिस्तान के साथ हो गए, उससे पहले भी कोई सीरीजों में कुछ नहीं किया उसने। कुछ माह में ना एक चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, हमारी टीम में कुछ प्लेयर सिर्फ T20 के लिए अच्छे हैं जिसमें एक रिजवान आदाब है। हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम आगे नहीं चल सकते। हम दोस्त और ये दोनों वो बंदे हैं जिसके साथ बाबर की सबसे ज्यादा दोस्ती है और बाबर दोस्ती निभा रहे हैं। मैंने सुना है हसन अली को वापस बुला रहे हैं टीम में, एक मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर की है हसन अली। आई थिंक उनको उनको वर्ल्ड कप से पहले शादाब को एशिया कप में ट्राई करके ना डिसाइड कर लेना चाहिए कि उसका फ्यूचर क्या है। तो इफ दैट इज द माइंडसेट टू इफ दैट इज द माइंडसेट टू कीप हिम इन एशिया कप तो थोड़ा बर्दाश्त कर ले, वर्ल्ड कप में डेफिनेटली उसको शादाब निकाल देना चाहिए अगर वो हमारे लिए उसकी बैटिंग का कोई इतना मैटर नहीं करता। बाय द टाइम उस तक पहुंचता है ना या तो आप जीत चुके होते हैं या आप हार चुके होते हैं। तो सनी भाई मुझे ये बताएं कि आप फहीम को ड्रॉप करके नवाज को लाएं अच्छा अगर आपको बैटिंग का मसला है, और दूसरा आप को अगर बॉलर चाहिए तो फिर आप उसको डालें उसामा मीर को। तो हम लोग हमारे ये डिस्कशन में मतलब जमान था, जमान को पता नहीं क्यों नहीं लेके गए, पता नहीं लेके जमान है साइड में नहीं। अगर एहसानुल्लाह फिट हो गया ना तो वर्ल्ड कप में एहसानुल्लाह को लेके जाएंगे। अच्छा मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे एक चीज बताएं, शादाब कुछ नहीं कर रहा ना पिछले 8-10 मैचों में, आपको फील्डिंग बैटिंग और बॉलिंग टू एन एक्सटेंड आपको दे देता है, ये आपको पूरा पैकेज कोई और स्पिनर नहीं दे रहा, आपको ना नवाज दे रहा है ना उसामा मीर। उसामा मीर इज बाय फार वेरी इरेटिक, नवाज इज एन इक्वली गुड बैट्समैन। आप उसने जो 40 किया था इंडिया के खिलाफ, नवाज की बैटिंग को आप शादाब की बैटिंग से कंपेयर ही नहीं कर सकते। दूसरे में भी जब उसे वो क्या मनकत किया है, बिल्कुल 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 वो भी खेल रहा था, वो बिल्कुल खेल रहा था।
शादाब आपके पास इस वक्त कोई है नहीं स्पिनर, मसला ये आप हम ये नहीं, अच्छा हम तो बात पीछे करते हैं कोई स्पिनर और की, कोई शेन वॉर्न बैठे हुए होते हैं। देखिए सलमान मेरा क्वेश्चन ये है कि आप एक बंदे की बैटिंग की बात कर रहे हैं, बॉलिंग की, कि हमें बॉलर चाहिए बॉलर चाहिए, पर जब उसको ड्रॉप, जब वो बॉलिंग में कुछ नहीं करता और हम कहते हैं इसको ड्रॉप करो, तो फिर हम कहते हैं यार ये बैटिंग में 40-50 कर देता है, 30 कर नहीं देता है, आपके 20 पास कर कोई देता ड्रॉप है, करने के, आप खिलाएंगे कैचेस ले किसको, लेता है यार, फिर आप खिलाएंगे किसको, वो सामा मीर को फिर घर भेज दें वापस, अगर ऑफिस वो घर आपके भेज दे इतने कॉन्फिडेंट ही नहीं है सामा कि वो मीर पाकिस्तान उसामा। का सेकंड लेग स्पिनर गया है। अच्छा उसको लेके किस लिए गए, कि शादाब को कोई गोली लगेगी कोई डंडा मारेगा तो कोई सामा मीर इंजरी टीम में होगी तो आएगा? खिलाएंगे उसको, एग्जैक्टली अच्छा इसीलिए है कि यानी इंजरी अदरवाइज इंजरी वो कवर है मैच वो। जितनी मर्जी मरवा दे पाकिस्तान को बॉलिंग लेकिन करके। लेकिन द प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आ रही है, ये जो फखर भी अभी तक टीम में खेल रहा है और शादाब भी टीम में खेल रहा है, यार एक प्रॉब्लम तो ये आ रही है कि फखर हम का हार ही एजेंडा नहीं रहे। खत्म कर दो भाई। नहीं बट वी आर नॉट लूजिंग ना, दैट्स व्हाई दे आर इन द टीम। जिस दिन हम हारेंगे मैच तब सोचेंगे यार हारे क्यों, जब फखर कल जीत जाते स्कोर कर हो रहा है, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, फखर कल स्कोर कर रहा है तब सब यही कह रहे हैं ना, कल वो फिर फ्लॉप हो रहा है। मैं उसकी यार। उसकी कल फखर की बैटिंग से पहले आई थिंक हमें बाबर की कैप्टनसी ले डूबेगी। फखर इज नॉट अ मेजर इशू राइट नाउ। फखर के बाद भी हमारे पास सात आठ बैट्समैन, नौ बैट्समैन आते हैं। आई थिंक व्हाट कॉस्ट अस द मोस्ट इज बाबर्स कैप्टनसी, एंड दैट हैज बीन द इशू Yes. फॉर द लास्ट थ्री फोर मैं लेकिन ये टूर्नामेंट। कैसे क्या कर रहे हो गलत आप किया लोग, कह उसने रहे हैं यार, एक तरफ कह रहे हैं जीत बाबर रहे पाकिस्तान, बातें फिर ऐसे कह रहे हैं, मुझे लग रहा है यार आप लोग तो देखो कह रहे हैं हारा है पाकिस्तान। मसला ये है कि आपकी टीम इज टू गुड इंडिविजुअल प्लेयर वाइज। अगर आप देखो तो आप बारिंग शादाब पोजिशन, आपके बाकी सारे 10 प्लेयर्स जो है वो बहुत अच्छे हैं। आपकी कैप्टनसी का इशू है, और जो आपकी ऑपोजिशन है वो कोई ऐसी वर्ल्ड क्लास नहीं है इस वक्त, दुनिया भर सलमान में कोई वर्ल्ड कैप्टनसी का क्लास क्या ऑपोजिशन इशू है नहीं यार, है कैप्टनसी मैं तो डिफेंड करने यार। के लिए जा रहा हूँ अभी उसके लिए। अभी वलीद ने बताया कैप्टनसी का आपको इशू सारे नहीं है, यार, नवाज इवन आई शरीफ एग्री भी विद नहीं लहरी, आता, कैप्टनसी का इशू बाबर को नहीं है। मैच नहीं आती, बाबर को लिख के भेजा जाता है कि पहला ओवर इसके, दूसरा ओवर किसके, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, फिर वो गलती हो लाइव जाती पे है, लेके सही आता है। है फिर गलती हो वो जाती है। पर्चे नहीं पर्चे पर्चे वाली वो कैप्टनसी कर रहा है, उसको तो ये पता पर्चे होता वाली है कि भाई कैप्टनसी होती तो 38 ओवर फिर ये 39 ओवर से फास्ट बॉलर को लेके आना है, उसके पहले वो स्पिनर्स ही कर रहा होता है, बीच में दो आफरीदी के ओवर्स पर करवा देना है, जबकि सलमान आफरीदी के नंबर्स जो है बिटवीन द 11th एंड द 40th ओवर सबसे बुरे आउट ऑफ ऑल द फास्ट बॉलर, वो उस दिन शाहीन आफरीदी को लेके आया क्योंकि पीछे से यही प्रॉब्ली यही इंस्ट्रक्शन दूंगी। हाँ, लेकिन आई डोंट नो वो क्या अगर कर आप रहा ये है। कह रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि पीछे से इंस्ट्रक्शंस आ रही है लिखी हुई, तो फिर ये ओवर ऊपर नीचे कैसे हो जाते हैं? तो भर्ती हो जाती है, छापा लगाने के लिए भी अकल चाहिए होती है दैट भाई मींस ही इज नॉट लिसनिंग, दैट मींस ही इज सर, डूइंग इट हिमसेल्फ ऑन द हिटिंग करने के लिए ग्राउंड। भी अकल चाहिए होती है। इसी वो भी इसी शायद मीटिंग में भी कैप्टनसी की मार रहा है और डिस्कशन पता के नहीं क्या ऊपर हो रहा है। रोहित शर्मा की आप लोगों ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, वो जो वॉश आउट हुआ था मैच उसके बाद, क्या कह रहा था वो? उसमें उसने बाबर की कैप्टनसी की वैसे काफी तारीफ की है नहीं उसकी वो और तो यही कहेगा ना, उसके टीम प्लेयर्स डिप्लोमेसी में ही ने। बोलेगा ना, कभी आपने देखा किसी ऑपोजिशन कैप्टन ने कहोगे दूसरे नहीं कैप्टन नहीं वाले हैं? इंडियन प्लेयर कभी भी डिप्लोमेसी में पाकिस्तानी प्लेयर की तारीफ नहीं करता। आई एम सॉरी, आई मीन इतने वो रिस्पेक्टेबल नहीं है वो। मैं आपको ठीक है, स्पोर्ट्समैन मिसाल अच्छे देता हूँ, होंगे, 2015 प्ले कर में, रहे हैं। अच्छा तो स्कोर बता दें यार, सब अपना बता दें सब, हमने काफी चीजें डिस्कस की है, मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी कन्विंस्ड है पाकिस्तान जीत रहा है, लेकिन कह सब रहे हैं पाकिस्तान जीत रहा है। नहीं, 100% पाकिस्तान जीत रहा है, नहीं 100%। नहीं पाकिस्तान जीत रहा है यार, कन्विंस टू मैन पाकिस्तान जीत जीतेगा रहा है। जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह, सनी भाई आप भी कोई अगर पॉजिटिव मैच बात कर दें, होगा, जीतेगा अगर मैच पाकिस्तान? होगा तो डिस्पाइट द हाँ वीकनेसेस पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह, क्योंकि आगे वाली टीम भी बहुत फर्क कल। अच्छा इंडिया को सिर्फ, पिछली इंडिया दफा, की ना बॉलिंग बिल्कुल फारिग है हाँ अभी पिछला बलीन। इंडिया की अच्छा बॉलिंग तो भी हम जीत फारिग ही है, इंडिया की गए थे। बैटिंग अच्छा भी एक सही, फारिग है। आप लोगों के लिए, सॉरी मैं थोड़ा सा वो करूंगा, आप लोगों के देखिए लिए फॉर एग्जाम्पल उनपे बैड पैच आया है, लेकिन उनके जितने प्लेयर हैं, रोहित शर्मा, कोहली, वो शुभमन गिल, और वो जो भी लड़का वापस कमबैक कर रहा है, ईशान हार्दिक किशन, पांड्या, ईशान किशन, यार ये किशन सारे वो लड़के हैं जिनके लिए 150 करना कोई मसला नहीं है। तो दो इनिंगें आपको बड़ी मिल गई इन लड़कों में से, तो 300 नहीं चेज होगा इन विकेटों के ऊपर, पहली बात। 300 बनेगा ही नहीं, बन जाएगा बनेगा ही नहीं वो, 300, खड़े रहे लेकिन ईशान किशन, शुभमन गिल। 100 आप इंडिया टोटली ये नहीं कह सकते कि बैटिंग उनकी फारिग है या वो डाउन द हिल जा रहे हैं। उनमें लड़के वो हैं नहीं जो तैयारी से वो आएंगे, लेकिन कोहली चल सकता है, कोहली चल सकता है, कल फंस जाएगा कोहली। 330 लग रहा है मुझे कोहली, इंडिया का, मैंने स्कोर भेजा है शरी को, एक एक बॉलर के फिगर्स के साथ भेजा है स्कोर मैंने। मेरा एक क्वेश्चन ये आप लोगों से कि आप ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया 300-330 कर रहा है, जो कि आप कह रहे हैं कि बैटिंग उनकी बहुत अच्छी है, तो नहीं इसका कह मतलब रहा, नहीं हमारी कर बॉलिंग रहा, जो है, हमारी बॉलिंग बहुत फारिग है, इसका मतलब है तो तीन नहीं सौ तो बॉलिंग खाएंगे भी तीन एग्जैक्टली जो कि नहीं है, अच्छे जो कि बॉलर हैं, नहीं है दो बाय द थके वे, हैं, 3 कॉन्ट्रेडिक्ट अच्छे कर रहे हैं बॉलर आप हैं, लोग। दो आप थके हुए बॉलर हैं, 300 तीन सौ अच्छे नहीं बॉलर हैं तो करेगा।
मतलब यार आपके पास छह बॉलर्स हैं टोटल, आपके पास तीन मेन बॉलर हैं, हारिस, शाहीन और नसीम, और तीन आपके पास थकावटे हैं, चाचू, शादाब, आगा और फहीम, 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 हाँ, सेवन ऑप्शंस, यू गॉट सेवन ऑप्शंस, फहीम तो नहीं खेल रहा, खेल रहा टीम, अगर अगर आप ऑन एवरेज 7-8-9 इनसे करवाते हैं, 7-7.5 भी कर लें एवरेज, तो 150 ये हो गया, तो क्या 30 ओवर 130 नहीं होता, 150 नहीं होता, 170 नहीं होता 30 में? यार अगर आपके बॉलर्स वर्ल्ड क्लास नंबर टॉप बेस्ट, अच्छा मुझे बताएं वर्ल्ड क्लास नु जब तू मैच दी द डिटेल देख, 20 ओवर जो रेलू कटो ने करने हैं, अगर उनको 150 से 170 होता है, सारों को तो नहीं पड़ेगा ना सनी भाई, अगर चार हैं, चार मैं रेलू कटों की बात कर रहा हूँ कि हाँ। अगर इंडियन बैट्समैन चल गए, अगर चल इंडियन बैट्समैन तो, हाँ ठीक है, तो 20 ओवरों में 150 से 100, फॉर एग्जांपल 150 से 170 के बीच में आपको 20 में होता है, अच्छा। और आपके जो तीन मेन बॉलर हैं वो अगर 5 रन पर ओवर भी देते हैं फिर भी वो 150 बनता है 30 ओवरों में, तो 310 भी तो यही हो गया, 300 भी हो गया यार, लेकिन इसमें विकेट भी तो गिरेंगी ना, स्कोर देंगे तो विकेट भी लेंगे ना, एंड फखर इन हिज फॉर्म नहीं होता चेस। मैंने मैंने कोशिश की है कि मैं इनसाइडर आपका टेस्टेड नहीं हूं, टेस्टेड नहीं है उस बेचारे को, बहुत थोड़े मार थोड़ी सी टाइम के लिए बारी मिल रही है, लंबी इनिंग कोई नहीं मिली उसको। आई थिंक वी आर ऑल रैपिंग इट अप, तो ऑन दैट पॉजिटिव नोट के ज़ैनब कह रही है पाकिस्तान जीतेगा, सलमान कह रहे हैं पाकिस्तान जीतेगा, चेरी तो ने तो पहले से लिखा है पर्ची पे का पाकिस्तान जीतेगा, कल बारिश बारिश जीतेगी कल, अच्छा आप कह रहे हैं बारिश जीतेगी, ये बारिश कह रहे हैं पाकिस्तान जीतेगा, और मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है कि उन्हें पहले 5 ओवर खेलने, कोई विकेट नहीं लूज करनी, उसके बाद दिल गो बिज़र्क, और उसके बाद पाकिस्तान के पास प्लान भी है नहीं, और उसके बाद फहीम और शदाब ने देने 150 रन, 160 ओ भाई ओ माफ कर दे, और बाकियों को पढ़ने 160, तो ये अच्छा ये भाईजान जो है ना कल खुद खुद मैच देख नहीं रहे, ये अपनी फ्लाइट में होंगे थ्रू आउट द मैच, हमें वो स्ट्रेस डाल बार बार रिफ्रेश हो रहा होगा, स्ट्रीमिंग चल रही होगी भाई, कैसी बात है, ऑप्टिमिस्टिक नोट पे बंद ही नहीं किया वलीद ने, फिर पेसिमिज्म शुरू कर दिया, सर मेरा पेसिमिज्म है, बाकी आप लोगों का सबका ऑप्टिमिज्म है, तो लेट द बेस्ट टीम विन, इंशाल्लाह लग रहा है पाकिस्तान जीते, ऑब्वियसली आई विल बी वेरी हैप्पी, आमीन।